बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम इंग्लिश पे द टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हम इसे डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। The first way of reporting the speaker's words is called direct speech. While doing this, we have reproduced the exact words of the speaker and put them in inverted commas. For example, she says, comma, inverted comma, I am not late. Inverted comma close. ये जो inverted commas के अंदर part है इसे हम reported speech कहते हैं और जो बाहर होता है इसे हम reporting speech कहते हैं। The second way of reporting what the speaker has said is called the indirect speech. While doing this, we have made the following changes in sentences. Changes of tenses, changes of adverb of time or particular words. आज हम सीखेंगे कि changes of pronoun pronouns को कैसे change करते हैं when we convert direct sentence into indirect sentence. तो प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से हमारे पास एक टेबल बना है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ केसेस हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड पर्सन है। उन केसेस का आना बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस का पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, इसकी पोजेसिव माई माइन और ऑब्जेक्टिव मी। वी की होती है आर, our, ours, ours and us. Second person you है, इसकी possessive your है और yours भी होती है, objective है you. Third person हमारे पास he, she, it और they, तो he की possessive his है, objective him है, she की her, hers और her है, it की its, it, they की their possessive है और them objective है. उसके बाद आप चेक करें कि जो डायरेक्ट स्पीच है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो जब प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है, आज हमने सीखना है प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सबसे पहले केस पर्सनल प्रोनाउन की केसेस तैयार करेंगे। उसके बाद ये एक फार्मूला लिखा है जो एस ओ एन से जाना जाता है। एस मीन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नेवर चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। ये आप सपोज करें कि ये जो फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड है, इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास यूज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। और ये जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड नेवर चेंज, ये आप चेक करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रूस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो यानी आई एंड वी हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करें। फॉर एग्जांपल, ये देखिए हमारे पास लिखे शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई होप आई एम नॉट लेट। तो आप चेक करें कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो जैसे इनडायरेक्ट में हमारे पास यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, शी यूज़ हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो यानी यू हो तो उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करें। या एक बात गौर कर लें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप मी सपोज करेंगे, आई की ऑब्जेक्टिव केस मी सपोज कर लें वहाँ और चेंज करेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास थर्ड पर्सन, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो नेवर चेंज, किसी के साथ चेंज नहीं होता, उसको किसी के साथ चेंज नहीं करते। जैसे थर्ड पर्सन है तो ये किसी के साथ भी चेंज नहीं होंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट से होगा और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट होगा। नाउ लेट्स प्रैक्टिस हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो कि आपको मज़ीद से पता चलेगा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को, कि कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिखी हैं प्रैक्टिस के लिए, हल भी की हुई हैं, आप उसके मज़ीद सीखें। फर्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे कि ही सेड टू मी आई एम ड्राइंग माई होम टास्क। ही सेड टू मी चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम ड्राइंग माई होम टास्क रिपोर्टेड स्पीच है, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहली बात, जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो आप एक बात याद रखें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील करें, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी तब्दील नहीं करते। इसके अलावा मज़ीद तब्दीलियाँ ये होती हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू में हो तो उसको टोल्ड में चेंज करें, लेकिन अगर सेड हो तो फिर सेड में ही रखें। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब से में हो या सेज में हो तो वो सेम रहते हैं, लेकिन अगर से टू में हो तो टेल में चेंज करें, और सेज टू हो तो इनडायरेक्ट करते वक्त उसे टेल्स में चेंज करें। असर्टिव सेंटेंसेस में जो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, जो कि एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ किया जाता है। नो वी कन्वर्ट दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है ही सेड टू मी आई एम ड्राइंग माई होम टास्क। तो सबसे पहले आप सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको टोल्ड में चेंज करें, जैसे ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए आपने दैट यूज़ किया। उसके बाद आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन दिया जा रहा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड या थर्ड। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को, जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, जैसे आई को ही के साथ चेंज किया तो यहाँ हमारे पास ही यूज़ हो गया। अब चूँकि पीछे पास्ट है तो नेक्स्ट भी पास्ट होना चाहिए, तो पास्ट में कन्वर्ट करने ऊपर देखें कि हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो जब रिपोर्टिंग में पास्ट हो तो इनडायरेक्ट में भी हमेशा पास्ट ही यूज़ किया जाता है, जैसे इज एम आर चेंज इन टू वाज़ वर, तो ही वाज़ ड्राइंग। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसको ये है तो फर्स्ट पर्सन की, इसे भी रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये रखा करें कि जिस हालत में रिपोर्टेड में केस यूज़ हो, जिसके साथ उसने चेंज होना है, उसकी वही हालत इधर आनी चाहिए। जैसे ये पोजेसिव है तो ही की पोजेसिव क्या होती है, हिज होम टास्क। तो सेंटेंस क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ड्रॉइंग हिज होम टास्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी शी विल से ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे आपको बता दिया गया है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड का टेंस तब्दील नहीं करते। सेम इस तरह देखिए, शी विल से कॉमर्स के लिए दैट। अब यहाँ चेक करें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन किसी के साथ चेंज नहीं होते, नेवर चेंजेस। तो ही को सेम यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर में, ही डिड नॉट कम अप टू। अब माई टू के पोजेसिव प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, ये सब्जेक्ट से चेंज होना है। सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो शी की पोजेसिव क्या होती है, हर एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास दे से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, अब भी हम रिपोर्टेड का टेंस तब्दील नहीं करेंगे, जस्ट प्रोनाउंस को चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के लिए दैट यूज़ करेंगे। दिस इज दैट, अब आवर फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव केस है, इसको हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो दे के साथ चेंज करें, दे की पोजेसिव क्या होती है, देयर। दिस इज देयर टीचर इज ऑन लीव। अब इस हमारे को हम वाज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। यू हैव सेड, चूँकि ये भी प्रेजेंट टेंस है, अब हम टेंस तब्दील नहीं करेंगे रिपोर्टेड का। यू हैव सेड कॉमर्स के लिए दैट, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये भी चेंज नहीं होगा। दे यूज़ करेंगे, दे आर वेटिंग आउटसाइड, ना तो टेंस चेंज होगा ना ही प्रोनाउन चेंज होगा इसमें। ही सेज टू मी यू आर डूइंग योर ड्यूटी वेल। अब सेज टू यूज हुआ है तो आप इसको टेल्स में कन्वर्ट करें, ही टेल्स मी कॉमर्स के लिए दैट। अब यू चूँकि सेकंड पर्सन है, इसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, हम चूँकि फर्स्ट को सब्जेक्ट से चेंज कर रहे थे, सेकंड को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो जब यू मी से चेंज होगा तो इनडायरेक्ट में आई यूज़ करेंगे।
क्योंकि यू सब्जेक्टिव है तो मी की भी हम सब्जेक्टिव ही यूज़ करेंगे। दैट आई एम डूइंग माई ड्यूटी वेल, माई किस तरह आएगा, योर सेकेंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, यू चूंकि पोजेसिव है तो मी की पोजेसिव क्या होती है, माई, आई एम डूइंग माई ड्यूटी वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डॉक्टर सेज द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा, द डॉक्टर सेज प्रेजेंट टेंस है, कॉमास के लिए दैट यूज करें, पेशेंट चूंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो ये भी चेंज नहीं होगा, द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा। इज हमारा हम इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हमारे पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड का टेंस तब्दील नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेज वी लव एंड रिस्पेक्ट और नेबर वेरी मच, तो शी सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस है, शी सेज दैट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये भी चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ चेंज, तो थर्ड पर्सन में हमारे पास प्लूरल यूज होता है दे, जब भी कभी इधर प्लूरल यूज हो और इधर सिंगुलर यूज हो तो हमेशा इनडायरेक्ट में प्लूरल यूज किया जाता है। अब वी को शी के साथ चेंज करेंगे, सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल आएगा, दे लव एंड रिस्पेक्ट। अब आवर जो है ये फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव है, ये भी सब्जेक्ट से चेंज होगी, सब्जेक्ट हमने दे रखा हुआ है तो दे की पोजेसिव क्या होती है, देयर, तो शी सेज दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर वेरी मच। लास्ट एग्जाम्पल है, ही सेज यू आर राइट, अब ही सेज प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम रिपोर्टेड टेंस तब्दील नहीं करेंगे, ही सेज कॉमास के लिए दैट, अब ये देखिए हमारे पास सेकेंड पर्सन यू है तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस मी सपोज करेंगे, यू को मी के साथ चेंज करें तो आई यूज़ करते हैं, तो ही सेज दैट आई एम राइट। थैंक यू, ये हमारा आज का लेक्चर था, जस्ट प्रोनाउन को चेंज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज द टेंसेस, जस्ट अभी प्रोनाउन्स आपको सिखाएंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। थैंक यू सो मच।